Oi, papa. Oi, mamãe. सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज हम वॉक स्टार्ट करें यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आज कैनन का यहाँ पर वर्कशॉप है, ठीक है, कैनन फोटोग्राफी का। तो वहाँ पे सब न्यू न्यू स्किल्स दिखाएंगे, न्यू चीज़ें पता चलने वाला आज फोटोग्राफी के ऊपर। तो मैं और मेरा दोस्त अपना कालू, ठीक है, हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया, साथ में केतन, ठीक है, जिसको आप जानते हो, पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा। तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं आज कैसा सीन रहने वाला है। मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला पूरे दिन के अंदर। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं। तो वर्कशॉप गाइस स्टार्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं वर्कशॉप के अंदर क्या क्या होता है। तो गाइस, हमको शटर स्पीड इफेक्ट के बारे में सीखा है, ठीक है, कैमरा के अंदर शटर स्पीड का क्या रोल होता है, कैसे वो सेट करके काफी एडवांटेजेस ले सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो उन्होंने कॉम्पिटिशन का भी ऐलान किया, ठीक है, हमको थोड़ा सा कैमराज के बारे में उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस होता है कैनन को अलावा और भी कैमराज देखे। फिर उन लोगों को थोड़ा प्रमोशन टाइप का स्टॉप चालू कर दिया, तो उनका न्यू कैमरा। फिर जो है यहाँ पर सब वर्कशॉप टाइम खत्म होता है, एक टीम क्रिएट कर दिया जाता है, 7 से 8 लोगों का टीम नंबर था 26। फिर हमको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया लंच के बारे में, कैसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह था कि वो हमको करना था गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। तो हम बहुत तेज हो रहा है। तो हम चल पड़े गर्ल्स हॉस्टल में। सो गाइस, अभी जो है लर्निंग वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अभी एक्शन के लिए जा रहे हैं। तो अभी जो एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट हो गया, एंड तो हम ये हमारा ग्रुप, ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप है, इनके साथ अभी हम फोटो शूट करेंगे। कुछ क्राइटेरियाज दिए, स्पोर्ट्स वगैरह है, पोर्ट्रेट है, तो अभी उसमें परफॉर्म करना, एक पिक सिलेक्ट करके सबमिट करना, अभी देखते हैं कौन जीतेगा। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आपने देखा उधर, ठीक है, बहुत सारा पब्लिक था। तो अभी चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे शूट करने वाले हैं एंड क्या चीज़ आज। तो लेट्स गो, देखते हैं आज कैसा सीन रहने वाला है। गाइस, जिंदगी में पहली बार मैं गर्ल्स हॉस्टल में जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा चांस आज तक कभी मिला नहीं है। देख सकते हो गाइस, देख सकते हो ऐसा है हमन के अंदर नज़ारा गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। वैसे उतना कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है, बट कॉलेज चालू था इसलिए गाइस वहाँ पे गर्ल्स थी नहीं, ठीक है, सब पोपट हो गया। हम तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि अंदर वहाँ को मिलेगी बहुत सारी गर्ल्स। तो यहाँ पे हमारा लंच है, ब्रेकफास्ट जैसा है कुछ नाश्ता। तो गाइस, थोड़ी देर बाद जो है 5 बजे डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गया। लंच में पाव भाजी था, तो पाव भाजी खाया, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े कालू के थे। उसके बाद में भाई आए हाय, ठीक है, तो वो कंप्लीट किया। फिर हमने पाव भाजी, फिर हम लोग चले गए शूट के लिए। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं सर प्राचौड़ी यूनिवर्सिटी में, और हमारा जो वर्कशॉप है हमने कंप्लीट कर दिया है काउंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास कैमराज भी है और स्टूडेंट भी है जो फोटोग्राफी करेगा, यस, गाइड करने वाला हूँ। श्योर सर। तो यहाँ पे अभी चल रहा है स्पोर्ट्स वॉलीबॉल। ओके, प्लीज हम मोर यूज करेंगे मैनुअल। सर आप सूरत? सूरत, सूरत ना। मैं अहमदाबाद हूँ बट अभी मैं सूरत में आ चुका हूँ। लॉक में ले लीजिए थोड़ा, ले लो ना। हां वाह, इस ऑफिस से कोस्टर बाहर की लग गए। सो गाइस, फाइनली हमने फोटो शूट जो है कंप्लीट कर लिया है, एंड अभी हम लोग सबमिट करवाने के लिए जाने वाले हैं। तो अभी वापस से हम लोग हॉल के अंदर जा रहे हैं। मेरे को भी दिखा, देखो गाइस, धूप इतना ज़्यादा गिर गया है, बहुत ही ज़्यादा धूप है, जादू बन गया हम लोग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। आज मैं भी कालू के जैसे हो जाऊँगा एकदम, ठीक है, कालू धूप के अंदर। सो लेट्स सी गाइस, अभी कौन जीतेगा आपको दिखाते फिर एंड में। तब तक स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आएगा, लेट्स गो। तो गाइस, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, फोटोज जज हो रही थी, तब तक हमारे ये सर ने, उनका नाम मुझे नहीं पता, बहुत ही खतरनाक वाला एंटरटेन किया हम लोग को। देखो कैसा एंटरटेन किया, बहुत मजा आया। 2 मिनट के लिए मैं आपके लिए आया हूं, पता नहीं मैडम ने बता दिया स्टेज पे चले आ रहा हूं, मुझे खुद को पता नहीं मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। बट अक्सर मैं जब भी स्टेज पर जाता हूं तो मैं अक्सर एक ही बात करता हूं कि मंदिर में भगवान छे मने खबर छे, मंदिर में भगवान छे मने खबर छे, मस्जिद में खुदा ओळखे छे, जाचो परिचय वो मारो नथी, तमारा थी लोगों मने ओळखे छे। कहते हैं कि मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है।
जिंदगी के अंदर याद रखना कि मैं किसी को नीचा दिखा के ऊपर ना आऊं। याद रखना, मैं किसी को जिंदगी में नीचा दिखा के खुद ऊपर ना आऊं। क्यों? बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं अगर किसी इंसान को हम नीचा दबा के ऊपर आते हैं तो। सो लाइफ में ये सारी लर्निंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट? दो लाइन आपके लिए कुछ हो जाए, ठीक है? सुना तो दो लाइन सुनोगे? डिक्लेयर हो जाता है दिवाली पाकर टीम जो रिजल्ट जीत जाता है जो है वो है कंपटीशन जीत जाता है, फिर सेलिब्रेशन होता है एंड काफ़ी अच्छा था वर्कशॉप का एक्सपीरियंस। तो गाइस जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलना। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।